नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में कहर मचा रहे कोरोना वायरस से भारत भी अछूता नहीं। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। बात पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की करें तो यहां भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही, जिससे निपटने के लिए पेमा खांडू सरकार भी पूरे जी जान से जुटी हुई। तो वही सूबे के विधायक भी सरकार का पूरा साथ दे रहे। कोरोना मरीजों के लिए बेड कम न पड़े, इसके लिए अरुणाचल के विधायकों ने बड़ा कदम उठाते हुए नया नवेला एमएलए अपार्टमेंट ही सरकार को दे दिया, जिससे वो इस अपार्टमेंट में कोविड 19 अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल कर सके। अरुणाचल के सीएम और बीजेपी नेता पेमा खांडू ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया, एमएलए अपार्टमेंट को कोविड 19 समर्पित अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी गई। ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के साथ ही अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को भी सुरक्षा देगा। इस नेक काम में सहयोग के लिए मैं सभी माननीय विधायकों को धन्यवाद देता हूँ। मोदी सरकार में खेल मंत्री और अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद किरण रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा, सीएम पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के सभी विधायकों ने ईटानगर के खूबसूरत एमएलए अपार्टमेंट को कोविड अस्पताल बनाने के लिए दे दिया। मेरे प्यारे विधायकों को इस नेक काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 60 विधानसभा सीटों वाले अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के 41, जेडीयू के 7, कांग्रेस के 4 और 8 विधायक अन्य दलों के। अब बात अरुणाचल में कोरोना केसेस की करें तो सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 387 हो गई, जबकि 32,000 से ज्यादा नमूनों की जांच हो चुकी। राज्य में संक्रमण से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं पूरे देश में अब तक 9,36,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस हो चुके, जबकि 24,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी।